स्टेट चेंज हो रहा था। अब ध्यान से समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज केमिस्ट्री की तरफ बढ़ना है ना, केमिकल की तरफ बढ़ना है ना, थोड़ी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। तो मान लो कोई भी स्टेट है अपने पास, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, फिर चाहे वो लिक्विड हो, ध्यान देना अच्छे से, चाहे वो लिक्विड हो, फिर चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है, तो चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, बट उसका एक कोई ना कोई स्टेट होता है। तो अगर कोई मैटर तो एक सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड में है तो लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसियस स्टेट में है, तो ये क्या करते हैं, हमेशा हीट को इस तरीके से यहाँ पे गेन कर करके और फॉर्मेशन करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी अगर कोई सॉलिड स्टेट में है मान लो ऐसा, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका प्रेशर भी होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस सॉलिड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ऐसे अगर कोई लिक्विड में है तो वो टेम्परेचर भी होगा उसका, कुछ ना कुछ उसका प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर गैस के फॉर्म में भी है इवन, तो भी उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सारे स्टेट है अपने पास, और ये स्टेट के पास सभी के पास होती है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम भले जीरो ही ना रहे, बट यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस क्या है, ये चीजें, ये मैटर की स्टेट है, और ये स्टेट में जो अंदर है, अब देखो किसी भी सॉलिड का, मान लो दो सॉलिड है आपके पास, ध्यान देना अच्छे से, मान लो दो सॉलिड है आपके पास, तो ये सॉलिड का मे बी टेम्परेचर डिफरेंट हो, ये सॉलिड का मे बी टेम्परेचर डिफरेंट हो, इसका मान लो कोई भी जो भी अपने पास वॉल्यूम डिफरेंट हो, इसका मे बी वॉल्यूम डिफरेंट हो, तो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये वेरी कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल्स जो है ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अपने पास यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम होता है, इन्हें हम इन स्टेट का, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन स्टेट का वेरिएबल कहते हैं। यानी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ही क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है। इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी आप कह सकते हो, ये सारी चीजें स्टेट के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर इन्हीं वेरिएबल को हम अगर चेंज करते हैं तो अपना स्टेट भी चेंज होता है। अगर मैं टेम्परेचर, ये जो अपने एक स्टेट का सॉलिड स्टेट का जो वेरिएबल है, इसी में चेंज करूं, और चेंज में अगर मैं सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो सॉलिड लिक्विड में बन जाएगा, ठीक है, और अगर लिक्विड का भी मैं टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करूं, तो लिक्विड गैस में बन जाएगा। यानी कि क्या समझा हमने, कि जो स्टेट वेरिएबल है, यही स्टेट वेरिएबल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है। यानी कि स्टेट वेरिएबल क्या है, जो अपने स्टेट को चेंज करवा सकता हो, उसे हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। एंड ईच एंड एवरी सिस्टम, देखो अपना सिस्टम गैसियस भी हो सकता है, अपना सिस्टम लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, अपना सिस्टम सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, तो हर एक सिस्टम के यहाँ पे वेरिएबल होती है, और ये स्टेट है तो स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हो, या फिर आप सिस्टम वेरिएबल भी कह सकते हो, क्योंकि सिस्टम भी स्टेट होता है, सिस्टम ही स्टेट है भाई, कोई भी सिस्टम किसी भी स्टेट में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड की स्टेट में रहे, चाहे लिक्विड रहे, चाहे गैस रहे, सिंपल सी बात है ना। अगर सपोज मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अपना ये सिस्टम है, तो ये चाहे तो गैस फॉर्म में रहे, चाहे लिक्विड फॉर्म में रहे, चाहे कैसे भी फॉर्म में रहे, तो ये अपना सिस्टम है। अब इस सिस्टम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ अपना सॉलिड होगा, मतलब जो भी प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, तो ये इसका वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि वो सिस्टम वेरिएबल कहो या फिर स्टेट वेरिएबल कहो, तो बात एक ही होती है, ये बात अच्छे से समझ के रखना। सुनना हो आपको समझ चुका है कि भाई एग्जैक्टली स्टेट वेरिएबल या फिर सिस्टम वेरिएबल क्या होते हैं। तो जब कभी भी मैं वर्ड यूज करूं सिस्टम वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल, तो आपको याद रखना है कि मैं टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्टेट फंक्शन एग्जाम में 2 से 1 मार्क्स को डेफिनेशन के फॉर्म में पूछता भी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां, ध्यान देना स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैसियस, यही स्टेट की बात कर रहा है, और फंक्शन, ध्यान देना अच्छे से। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां जो डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं स्टेट के सिस्टम में, जो सिस्टम का स्टेट है, यानी कि यहाँ पे सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसियस, जो भी सिस्टम का स्टेट है, सिस्टम का स्टेट या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैसियस होगा, समझा कि नहीं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां जो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंडेंट होती हैं एंड इनडिपेंडेंट होती हैं, पाथ फॉलोड टू अटेन इट,
ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कोई एक ए ऑब्जेक्ट है और ये कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया बी पाथ में, मान लो ये लिक्विड बन गया, ठीक है, सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड बन गया, ओके, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, ये अच्छे से समझ के रखना है आपको, यानी कि ये सिस्टम का स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां, कुछ अभी देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है समझना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां जो कि ये सिस्टम की स्टेट के ऊपर तो डिपेंडेंट है, यानी सॉलिड लिक्विड पे डिपेंडेंट है, बट ये कैसे चेंज हुआ, किस पाथ से हुआ, वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का ये पहला पाथ है, फिर दूसरा पाथ है, तीसरा पाथ है, ऐसे अपने पास हजारों तरीके हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी हो और जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, बट यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। किस रास्ते से हम चेंज कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैसियस में है, उससे फर्क पड़ता हो जिस प्रॉपर्टी को। मान लो मैं एक पी फॉर्म में एक प्रॉपर्टी हूँ, तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए कि मैं सॉलिड फॉर्म में हूँ, कि मैं लिक्विड फॉर्म में हूँ, कि मैं गैसियस फॉर्म में हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसे सॉलिड बना, कैसे लिक्विड बना, कैसे गैसियस बना, ठीक है। तो मैं हूँ स्टेट फंक्शन, समझा कि नहीं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं स्टेट फंक्शन कहलाऊंगा, समझा कि नहीं। तो ये बात आपको समझ गई होगी, ठीक है, मतलब वही है यार कि मतलब मैं एग्जाम में 95% ला रहा हूं, मैं कैसे ला रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब मैं 0 से 95 पहुंच रहा हूं, चाहे मैं चीटिंग करके लाऊं, चाहे मैं पढ़ के लाऊं, चाहे जैसे भी लाऊं, तो मैं स्टेट फंक्शन, समझा कि नहीं, मतलब मैं चाहे सॉलिड रहूं, चाहे लिक्विड रहूं, चाहे गैसियस रहूं, बट मैं कैसे सॉलिड से लिक्विड में बन रहा हूं, मुझे उस पाथ से कोई मतलब नहीं है, मैं सॉलिड लिक्विड गैस में हूं, वही मैं स्टेट फंक्शन, समझा कि नहीं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो वही यहाँ पे दिया है, कोई भी एक सिस्टम है जिसका इनिशियल स्टेट ये है और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, मतलब यहां से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका क्या था, टेम्परेचर यहाँ पे इसका 0 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वाला टेम्परेचर, ये वाला स्टेट कैसा रहा होगा इनिशियल में, ये सॉलिड स्टेट में रहा होगा, आइस के फॉर्म में, अगर मैं वाटर की बात करूं तो, और यहाँ पे जब गया तो ये लिक्विड बन गया, ठीक है। तो मैंने कोई पाथ पूछा क्या, मैंने जो ये स्टेट चेंज हुआ, चेंज ऑफ स्टेट जो यहाँ पे हुआ है सॉलिड से लिक्विड में, यानी 0 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस में जो अटेन हुआ, ये स्टेट वेरिएबल होते हैं, ये जो स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ तो अपना स्टेट, सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट वेरिएबल मतलब यार टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। तो अगर आपने टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम यानी स्टेट के वेरिएबल को अगर चेंज कर दिया तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाएगा। सिस्टम का जो स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसियस होता है, तो सिस्टम का स्टेट भी तभी चेंज होगा जब हम स्टेट के वेरिएबल को चेंज कर देंगे। तो स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर पहले 0 था और बाद में मेरे स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर को यहाँ पे दूसरे वाले में 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ पे सिस्टम का जो यहाँ पे स्टेट है ये चेंज हो जाएगा, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, समझा कि नहीं। यानी कि चेंज इन अगर हमने वेरिएबल किया तो सिस्टम का स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, और यही क्या है, अपना स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है कि कैसे हमने ये चेंजेस किया, 0 से 300 हम कैसे गए, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अपने स्टेट को चेंज किया ना, बस वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने अपने स्टेट को चेंज किया, बट कैसे किया, चेंज इन द वेरिएबल, बस वेरिएबल को हमने चेंज करके किया, ठीक है, बट 0 से 300 कैसे किया अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस यहाँ पे इनिशियल से फाइनल स्टेट में हम गए, सॉलिड से हमने लिक्विड पे गए, बस उससे फर्क पड़ता है। तो वही ऐसी सारी प्रॉपर्टियों को जिनको इनसे फर्क पड़ता है, यही अपना स्टेट फंक्शन होता है, ओके। नाउ पाथ फंक्शन क्या है, जिसको पाथ से फर्क पड़ता हो, जिसको नॉर्मली हमेशा देखना, जिसको पाथ यानी कि प्रॉपर्टीज विद डिपेंड्स अपॉन दी पाथ कॉल्ड पाथ फंक्शन, जो कि कैसे चेंज होता है सिस्टम जो स्टेट है, ध्यान देना अच्छे से, एक बार अच्छे से आपको बता देता हूं, ठीक है, सिस्टम का स्टेट, ठीक है, एंड स्टेट वेरिएबल, इनमें क्या डिफरेंस है ये समझ लो, ठीक है, ध्यान देना। तो स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ये सब होते हैं, और स्टेट का जो सिस्टम स्टेट है, या तो ये सॉलिड होगा या तो ये लिक्विड होगा, समझो ना यार, मतलब सिस्टम यानी कि अपना पानी है जिसमें हम कोई काम करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये अपना क्या है, सिस्टम स्टेट है, ठीक है, ये अपना सिस्टम का स्टेट है और ये स्टेट वेरिएबल है। अगर मैं सॉलिड के स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर को चेंज कर दूं, या फिर सॉलिड के स्टेट वेरिएबल प्रेशर को चेंज कर दूं, या फिर सॉलिड के स्टेट वेरिएबल वॉल्यूम को चेंज कर दूं, तो इसका स्टेट खुद चेंज हो जाएगा, या तो ये गैस बनेगा या तो फिर लिक्विड बन जाएगा।
अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं, चेंज करने के लिए इंक्रीज कर दूं, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से फिर गैस बन जाएगा, समझा कि नहीं। तो यही चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर किसी भी सिस्टम की स्टेट का स्टेट वेरिएबल जो होता है उसे मैंने चेंज किया तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे एक ही चीज आती है कि हमने कैसे चेंज किया वो फर्क नहीं पड़ता है, हमने स्टेट को चेंज किया ना बस उससे फर्क पड़ता है। तो यही होता है अपना स्टेट फंक्शन, ठीक है। बट व्हाट अबाउट पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन कैसे चेंज किया उससे फर्क पड़ता है, यानी पाथ क्या था अपना वो फर्क पड़ता है। जैसे कि वर्क हो गया, हीट हो गया, अगर हम ज्यादा हीट देते हैं तो हमको पता चल गया ना कि कैसे हमने चेंज किया, हीट दे के चेंज किया तो पाथ अपने को पता चल गया, या फिर हमने वर्क दे के चेंज किया तो वर्क करके हमने पाथ चेंज किया तो अपने को पाथ वर्क है, यहाँ पे पाथ हीट है, तो ये पाथ अपने को पता होता है, ठीक है। तो ये होते हैं सारे पाथ फंक्शन, ये बात अच्छे से समझ के रखना, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से समझ के रखना है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा और चिंदी सा टॉपिक है। मान लो हमने पढ़ा है ऑलरेडी फिजिक्स के फोर्थ नंबर चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में, और आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान देना अच्छे से, मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। तो कभी भी हमने नेचर का एक रूल होता है, नेचर का एक रूल है कि जो रिचेस्ट पर्सन है वो एक ना एक दिन आने वाले किसी ना किसी 7th to 8th 10th जनरेशन में वो फिर से पुअर बनेगा। ये नेचर का रूल है यार, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा नहीं होगा बट होगा, डेफिनेटली होगा। या फिर जो पहले पुअर रहा होगा वो 100% रिचेस्ट बनेगा, चाहे वो ना बने तो उसके आगे की जनरेशन जरूर बनेगी, ये नेचर का रूल है, ठीक है। तो ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना। हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर सपोज कोई एक ए बॉडी है और कोई एक दूसरी बी बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और ये दोनों चीजें एक ही कंटेनर में हो, ठीक है, एक ही घर में रहते हो, तो हमेशा इसमें से 100 डिग्री वाले से बी वाले में टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, यानी कि हीट एनर्जी ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस बी के पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन है हीट का और ए के पास हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कब तक ये हीट हायर से लोअर में ट्रांसफर होते रहेगी, मतलब मान लो आपके सामने एक घर है, एक घर में एक ये ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की जो हीट है ये 200 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो हीट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एक ही घर के अंदर दोनों लोग हैं यहाँ पे, तो यहां से हीट इसमें ट्रांसफर होगी, बट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोसेस से पता चलता है। तो ये हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है, तब तक ये हीट ट्रांसफर होते रहेगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तब तक हीट क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। मान लो मैंने एक वेसल ले लिया, ठीक है, आप ऐसा घर में परफॉर्म कर भी सकते हो, एक कोई भी वेसल लिया उसके अंदर दूसरा वेसल डालो जिस वेसल के अंदर ज्यादा हीट वाला कोई भी वाटर हो और दूसरे वेसल के अंदर यहाँ पे कम हीट वाला कोई भी चीज हो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे ना तो इसमें से ये हायर वाला था तो हायर से लोअर वाले में क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हायर से लोअर वाले में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। बट ये कब तक ट्रांसफर होगा, मतलब देखो ये एक आपके सामने घर है, सिंपल समझना अच्छे से, ठीक है, और ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस बॉडी का टेम्परेचर 50 था और इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि 20 था, ठीक है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां से हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि दोनों का यहाँ पे टेम्परेचर 25 नहीं हो जाता है, कितना नहीं हो जाता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर 25 नहीं हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट में, समझना अच्छे से आप थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जिस पॉइंट में हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा,
वही पॉइंट ऑफ हीट थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी कि अब दोनों अपने स्टेट जो यहाँ पे सिस्टम है, दोनों सिस्टम अब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुके हैं, यानी कि अब वो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ रखना। तो कब तक हीट ट्रांसफर होता है? कि जब तक कोई भी अपनी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले, जब तक कोई भी बराबर बराबर का टेम्परेचर दोनों में ना आ जाए, ठीक है, तब तक एक दूसरे में हीट ट्रांसफर होती रहती है। सिंपल है ना यार, यार हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते, बस वही बात है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यही समझ के आपको रखना है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा आपको अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो समझ लो कि टू सिस्टम थर्मल कॉन्टेक्ट, मान लो तो दो सिस्टम थर्मल कॉन्टेक्ट में है विद ईच अदर, आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर। अगर दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम उन्हें कब, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम उसे कब कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? कि जब तक वो हीट ट्रांसफर करना बंद ना कर दे। जैसे ही वो थर्मल, जैसे ही मतलब वो हीट ट्रांसफर करना एक दूसरे में बंद कर देगा तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये अभी अपना थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों आ चुके हैं। बिकॉज हमको पता है कि वो तभी बंद करेंगे जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम इक्वल इक्वल नहीं हो जाता हो, तभी वो लोग हीट का ट्रांसफर करना बंद करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हीट का ट्रांसफर करना बंद कर देते हैं तो वही दोनों ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ट्रांसफर ऑफ हीट ऑकर्स टिल लेवल ऑफ हीट, उस लेवल तक ट्रांसफर होते रहेगा हीट जिस लेवल तक अपना कंटेंट जो होगा बिकम इक्वल इन बोथ सब्सटेंस, जब तक कि